हाय फ्रेंड्स, कोडिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से आप है वो ड्राइंग बना सकते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पाइथन की जो ड्राइंग बना रहे थे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था तो हमारी जो ड्राइंग बन रही थी वो ब्लैक एंड वाइट बन रही थी। तो ये हमारा लास्ट टाइम का लास्ट क्लास का जो प्रोग्राम है वो है। इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, जो हमारी ड्राइंग बन रही है वो ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग बन रही है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारी ड्राइंग है ब्लैक एंड वाइट बन रही है, इसको कैसे कलर किया जाए, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम इसको एक कलर करके देखेंगे, एक रंग लेंगे कोई सा भी, जैसे रेड ले लिया, ब्लैक ले लिया, ब्लैक ऑलरेडी चल रहा है, रेड लेते हैं, येलो लेते हैं, ग्रीन लेते हैं, कोई भी एक कलर लेकर के इसको एक कलर में प्रिंट करते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग चार डिफरेंट कलर में कलरिंग करेंगे, ताकि जो एक साइड है वो एक कलर में आए, दूसरी साइड दूसरे कलर में, तीसरी तीसरे और चौथी चौथे कलर में। ये चीज़ है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप भी चाहते होंगे कि ये जो ब्लैक एंड वाइट आ रहा है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए, तो इसके लिए ये पूरा होने दीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये ड्राइंग हमारा चलता रहेगा, मीनवाइल हम लोग लिख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, मैं कमेंट को चेंज कर देता हूँ याद रखने के लिए। तो आज हम कलरिंग सीखेंगे, ड्राइंग में कलरिंग कैसे करना है वो हम काम करेंगे। तो ये जो इम्पोर्ट टर्टल है वो आपको जैसा है वैसा ही रखना है, क्योंकि हमें टर्टल लाना है। फिर टर्टल में क्या है, टर्टल डॉट पेन करके इसको डिफाइन कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है टर्टल डॉट पेन, और उसका कलर क्या रहेगा वो हमें बताना है। टी मतलब टर्टल डॉट पेन आ गया, उस टर्टल डॉट पेन कलर का क्या करना है, तो हम लिखेंगे पेन कलर। तो एक ध्यान रखना है आपको, जो इंग्लिश लिखते हैं हम ब्रिटिश, जो अमेरिकन स्टाइल में लिखी जाती है, तो सी ओ एल ओ यू आर नहीं लिखना है आपको, सी ओ एल ओ आर लिखना है, जो अमेरिकन स्टाइल की स्पेलिंग्स होती है वो है। तो अभी मान लीजिए आप इसको जो भी कलर देना चाहते हैं तो वो कलर दे सकते हैं। तो अभी मैं इसको मान लीजिए ब्लू कलर देता हूँ, या बोलते हैं तो ग्रीन कलर इसको देते हैं। तो इसको मैंने ग्रीन कलर दे दिया। अब आपको क्या करना है, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके फिर क्या करना है अपने को, इसको जो ब्रैकेट है इसको क्लोज कर देना है। तो ये एक लाइन है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। अब जो हमारा एक्स है वो आप कोई सी भी रेंज में रख सकते हैं, तो इसको मैं इस बार 100 कर देता हूँ, क्योंकि 200 में बहुत टाइम लेता है ये, तो इसको 100 कर देते हैं। एंड टी फॉरवर्ड डॉट एक्स जैसा है वही रखना है, क्योंकि हमारा वेरिएबल को मूव करवाना है उसी हिसाब से। और डिग्री आपको जितना रखना है वो रख सकते हैं आप, तो चलिए 90 डिग्री इसको रख देते हैं। और हमने क्या किया है, सिर्फ ये एक जो लाइन है वो ऐड की है, टी डॉट पेन कलर, और उस कलर का जो रंग है वो हमने ग्रीन दिया है। अभी मैं ग्रीन कलर से करके देख रहा हूँ, आप इसको बाद में यहाँ पे जो है ये जो ग्रीन है उसकी जगह रेड करके चेंज कीजिए, और उसकी जगह आप येलो करके चेंज करके देखिए, उसको प्रिंट करके देखिए, और आप देखिए कि वो किस हिसाब से आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, ग्रीन किया हुआ है। और अब हम इसको क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करेंगे, ये सेव करने के लिए हमें बोलेगा, हमने सेव कर दिया और प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा डायग्राम बन रहा है वो ग्रीन कलर में बन रहा है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो डायग्राम था वो ग्रीन कलर में बन गया है। अब मैं इसको यदि येलो कलर में करना चाहता हूं, तो आइए इसको हम येलो कलर चेंज करके देखते हैं। ये ग्रीन है, इसकी जगह मैं येलो कर देता हूं, और W, ये मैंने येलो कलर कर दिया है। अब इसको रन करके देखते हैं वापस, और हमें येलो प्रिंट हो जाएगा। तो ये मैंने ओके किया, और आप देख सकते हैं ये येलो कलर में प्रिंट होना शुरू हो चुका है। येलो कलर में चूंकि वाइट बैकग्राउंड है तो येलो कलर निखर के नहीं आ रहा है। तो मैं अगले वीडियो में, जो कल वीडियो आ रहा है, उसमें आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड आप कलर है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आज की वीडियो में हम सिर्फ ड्राइंग का कलर है वो चेंज करना सीखेंगे।
तो ये हमारा एक कलर की ड्राइंग है, वो आप इस हिसाब से बना सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा कलर डालें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो कलर है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रोग्राम है ऊपर से जैसा आ रहा है बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे। यहाँ पे टी डॉट पेन कलर में हमारे पास चूँकि ज़्यादा कलर्स है, तो हम यहाँ पर कलर्स लिख करके इसको स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखते हैं भाई कलर्स क्या क्या है हमारे पास, कलर्स मतलब मेरा होगा कौन कौन से कलर होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ब्रैकेट लेना है वो बड़ा ब्रैकेट आपको लेना है, छोटा ब्रैकेट नहीं लेना है, बड़े ब्रैकेट में लिखना है। और कलर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं ग्रीन कलर ले लिया हमने, कोमा हमने ले लिया, ब्लैक कलर ले लिया, कोमा, और हमने येलो कलर भी ले लिया, कोमा, और हमने क्या किया रेड कलर भी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अब और अब बड़े ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देना है। तो ये हमने चार कलर्स ले लिए हैं। अब क्या है दोस्तों, हमें एक चीज और ध्यान देनी है, वो ये है जो टी डॉट पेन कलर है वो क्या करना है, यहाँ पे अपने को एक यहाँ डाल देना है। टी डॉट पेन कलर जो पहले प्रोग्राम में था वो अब यहाँ पे अपने को डिफाइन करना है, और उसमें लिखना है टी डॉट पेन कलर्स। और कलर्स को कैसे लेना है इसको वो हमें समझाना है, कि ये चार कलर हैं इनको कैसे यूज़ करना है वो हम इसको समझाएंगे। यहाँ पे टी डॉट पेन कलर, जहाँ पे पहले हम एक कलर था तो सिर्फ एक कलर का नाम लिख देते थे, चूँकि अब हमारे पास ज़्यादा कलर है तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। और डिफाइन हम इसको बोलते हैं जो कलर्स हैं, ये जो कलर्स है ये कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, इसमें हमने डिफाइन कर रखे हैं कलर्स। तो इसको हमने बता रखा है कि कलर्स का मतलब चार कलर हैं मेरे, और ऑर्डर क्या है, दिस इज़ 1 2 3 4, चूँकि पाइथन होता है, कोई भी कंप्यूटर होता है जीरो से काउंटिंग शुरू करता है। तो दिस इज माई कलर नंबर 0, दिस इज माई कलर नंबर 1, दिस इज माई कलर नंबर 2, एंड दिस इज माई कलर नंबर 3। तो ये हमारे तीन कलर हो गए, 0 1 2 3, तो ये हमारे चार कलर हैं। तो ये हमने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया हुआ है। अब हम इसको बताते हैं कि भाई टी डॉट पेन कलर का मतलब है कलर्स, और फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर हमें बोलना है ये जो 100 जो आएगा उसको क्या करना है, एक्स करना है, और मॉड्यूल लगा देंगे यहाँ पे हम मॉड्यूल 4 में, यानी इसके जितने भी होंगे उनको हर पार्ट को अलग अलग 4 में डिवाइड कर देना है। यानी एक साइड होगी वो एक पहले ग्रीन से आएगी, फिर ब्लैक, फिर थर्ड जो होगी येलो से, फिर फोर्थ होगी वो रेड से। इसी ऑर्डर में जो है हमारा जो कलरिंग है वो स्क्वायर का बनता जाएगा। पहला जो लाइन आएगा ग्रीन आएगा, देन ब्लैक, फिर येलो, फिर रेड। तो ये हमने इसको ऑर्डर डाला हुआ है, आप इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ऑर्डर, तो वो उस हिसाब से ही कलरिंग करेगा। तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है, लिख लिया हमने, अब इसको हमने सेव कर देते हैं, और अब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। तो मैं रन मॉड्यूल में जाता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे बड़ा डायग्राम जब मेरा बनेगा तो आप देख पाएंगे कि ये जो कलरिंग है हमारी वो यहाँ पे चार अलग अलग कलर में आने लग गया है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो है प्रोग्राम उसका कलरिंग यहाँ पे बन रहा है। और एक मिनट इसको थोड़ा छोटा करते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको बताया था कौन कौन सा कलर प्रिंट करना है। पहले ग्रीन आएगा, फिर ब्लैक आएगा, फिर येलो आएगा, एंड फिर रेड आएगा। तो आप देख सकते हैं उसी ऑर्डर में इसने क्या किया है, प्रिंट किया है। तो लास्ट जो आएगी वो 0 से शुरू करेगा, और जो लास्ट जो आ रहा है पिक्सल वो हमारा 100 पिक्सल की लाइन बन रही है, क्योंकि हमने इसको 100 पिक्सल दिया हुआ है, और हर बार ये 90 डिग्री के एंगल पे टर्न हो रहा है। अगर आप इसको 92 पे करके देखिए, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, 92 डिग्री पे करके देखते हैं, और जो पिक्सल हमारा हो रहा है वो 100 हो रहा है। इसको हम क्या कर रहे हैं कि बड़ा बड़ा सर्कल वो स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो हम इसको 200 पिक्सल पे देते हैं। आप इसको 400 500 अपने हिसाब से देख करके देखिए, थोड़ा उसमें R&D कीजिए, चीज़ें चेंज करके देखिए, तो उसमें लर्न होता है। जो मैं बता रहा हूँ वो एक प्रोग्राम होगा, आप उस अपने हिसाब से जो कलर कॉम्बिनेशन है ग्रीन येलो इनको आगे पीछे कीजिए। और अगर आपको और भी बहुत सारे सैकड़ों कलर होंगे टर्टल के, उन कलर को कैसे मतलब नाम लिखना है, जैसे ये तो हमारे रेगुलर कलर हैं ग्रीन ब्लैक येलो एंड रेड, तो हमें क्या है पहले से ही इनके स्पेलिंग्स पता है। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको एक, मैं फॉर एग्जांपल एक कलर का नाम बताता हूँ कि भाई आपको कलर है सैफ्रन कलर लेना है, या आपको कोई और कलर लेना है,
तो उसके लिए क्या उसका वर्ड आपको यूज़ करना है, तो उसकी एक टर्टल की जो है लाइब्रेरी, उसमें उनकी डेफिनेशंस दी हुई है। टर्टल की लाइब्रेरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उन कलर्स का जो है नाम देख सकते हैं। तो सैकड़ों कलर होंगे वहाँ पर, आप अपने हिसाब से उन कलर का नाम ले सकते हैं, जैसे सैल्मन कलर हो गया, लेमन शेफ्रोन हो गया, तो इस हिसाब से बहुत सारे कलर्स के नाम हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आप डायग्राम बना सकते हैं। तो चलिए वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर देख लेना, कलर्स के नाम, अगर आप और अच्छा कलरिंग करना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया है, इसको बड़ी लाइन आएगी, वो पहले हमारी 100 की आ रही थी, अब हमारी लाइन 200 की आएगी, यानी इससे डबल हो जाएगी हमारी आउटर लाइन होगी, और हर बार ये क्या करेगा, 92 डिग्री के एंगल पर टर्न करेगा। चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। तो सेव कर लिया हम लोगों ने, सेव करने के बाद प्रोग्राम रन होगा हमारा, और आप देख पाएंगे अभी, तो जैसे जैसे एक अगला लाइन आती है, वो अगली लाइन को एक पिक्सल बढ़ाता जा रहा है, और ये इस हिसाब से हमारी जो लाइन है वो ग्रो होती जा रही है, और देखिए कितना ब्यूटीफुल जो ड्राइंग है वो बन के आएगी। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आप जो मैं वीडियो बता रहा हूँ उनको अच्छे से उनको सीख रहे हैं, और आपके अगर बच्चे हैं छोटे तो 8th जो है 8 साल के बड़े बच्चे हैं वो आसानी से सीख सकते हैं ये चीज़ें, उन पर ट्रस्ट कीजिए, उनको सिखाइए, वो भी ज़रूर सीख पाएंगे। और अगर आप हाउसवाइफ हैं या आपका शौक है कोडिंग सीखने का, तो भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें, तो सीखिए इनको, प्रैक्टिस कीजिए। कोई सवाल हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जवाब दूंगा। लेकिन आपसे मैं जैसा रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार, दोस्तों आपने देखा होगा चलते फिरते लोग कुछ भी डालते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं, उन वीडियोस पे लाखों लाइक्स आते हैं, लाखों व्यूज़ आते हैं, लेकिन ये जो काम के वीडियोस हैं इन पे लाइक नहीं आ रहा, दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है, दिल को हर्ट करती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आए, हमें भी अच्छा लगता है दोस्तों, व्यूज़ ज़्यादा आता है तो मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने वाले को, कि भाई लोग इतना देख रहे हैं मुझे, तो मैं और अच्छी चीज़ डालूँ उसमें, और कुछ नया डालूँ, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो ये मेरा जो ट्रस्ट है उसको नहीं तोड़ेंगे, और आप भी चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगे मेरी, सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे मेरे, और व्यूज़ भी चैनल के बढ़ाएंगे, और लाइक ज़रूर कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों कितना सुंदर जो हमारा है डायग्राम बन गया है, और इसमें आप क्या है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, आप इसमें जो इसमें आप क्या कीजिए, आप इसमें और अलग अलग कॉम्बिनेशन डाल के देखिए, यहाँ पे 200 की जगह 500 कीजिए, यहाँ पे 92 डिग्री है इसको 140 डिग्री करके देखिए, भाई 140 डिग्री पे अगर टर्न करेगा तो ये कैसे रन करेगा, ये सारी चीज़ें अब आपको क्या है कर करके देखनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आप इसको खूब एन्जॉय करेंगे। अभी देखिए हमने 140 किया, तो अब देखिए एक नया डायग्राम बन के निकल के आएगा। तो ये चीज़ें हैं काफ़ी आपको जो क्या बोलते हैं हम वीडियो गेम होता है उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जो कोडिंग, जैसा मैं बताता हूँ, पता नहीं क्यों कोडिंग को लोगों ने इतना टफ बना दिया है, और पैसा चार्ज करने का एक तरीका रह गया है, जो मैं आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, अगर आप यही ऑनलाइन कहीं किसी प्रोग्राम से बाय करते, 1-to-1 क्लास करके वो आपको बेचते, और इसी क्लास के लिए आपसे 2-3 हज़ार रुपये वो चार्ज कर लेते कि हम बच्चे को कलर कोडिंग सिखा रहे हैं साहब, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और आपसे चार्ज कर लेते, लेकिन यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको फ्री में बता रहा हूँ, और आगे भी पूरा कोर्स मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो लगे रहिए चैनल के साथ, जुड़े रहिए, वीडियोस देखिए, कोई वीडियो मिस नहीं करना है आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके पुराने वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, पुराने जो चारों लेक्चर है वो आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ये 5वां लेक्चर पर आइए, तो आपको पता चलेगा, किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करना है। अगर मिस कर दिया है किसी कारण से तो उसको दोबारा जाइए और देखिए। तो ये आप देखिए कितना सुंदर हमारा डायग्राम है वो बन के आ रहा है। कल जो वीडियो हम देखेंगे उसमें पहले बैकग्राउंड जो है कलर चेंज करना सीखेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर अगर हमें सॉरी सर्कल अगर हमें ड्रॉ करना है तो कैसे करना है, सर्कल में अगर 100 सर्कल हमें एक साथ बनाने हो तो कैसे बनाना है, उन 100 सर्कल को अगर कलरिंग करना हो तो कैसे करता है, वो हम उस वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक्स अ लॉट।